गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप देख रहे हैं प्रीति सिंह हेल्दी टिप्स एंड लाइफस्टाइल। सुबह सुबह का टाइम है और ठंड बहुत हो गई है। ये मैंने पानी बॉईल किया है, इसको मैं फ्लास्क में भर के रख दूंगी ताकि जब भी किसी को जरूरत हो तो इसमें से पी ले। और इसके बाद मैं बनाऊंगी चाय। सर्दी बहुत ज्यादा हो रही है तो मैं आपको यही कहूंगी कि अपना, अपनी फैमिली का, सबका ख्याल रखें। और आज तो बारिश भी हो गई है, थोड़ी देर में मैं आपको ऊपर का नजारा भी दिखाऊंगी कि मौसम कैसा हो गया है। ये देखिए कितनी बारिश हो रही है और ठंड बहुत ज्यादा हो गई है। और बारिश के कारण ये देखो हमारा काम चल रहा था इधर, वो भी आज बंद हो गया है। तो बारिश बहुत ज्यादा है, ठंड भी बहुत ज्यादा है। तो चलिए नीचे चलते हैं और अब चाय बनाते हैं। तो ये देखो चाय मैंने रख दी है बनने के लिए। ये इसमें अदरक डाल दिया और इस पर मैं गाजर का हलवा गरम कर रही हूँ। हमारे घर में गाजर का हलवा सबको बहुत ही ज्यादा पसंद है। और इसके साथ मैं आज के इस व्लॉग में आपके साथ अपनी लंच रेसिपी भी शेयर करूंगी। काफी दिनों बाद, आज जैसे संडे है तो मेरी छुट्टी है, तो मैं राजमा चावल बनाऊंगी। और राजमा चावल हालांकि एक सिंपल सी डिश है बट सबको ही बहुत पसंद आती है, बच्चों को, बड़ों को, सबको। तो देखते हैं आज मेरे बच्चे कैसे रिएक्ट करेंगे क्योंकि मैं काफी दिनों बाद आज राजमा चावल बनाने वाली हूँ। तो ये लीजिए गर्मा गर्म चाय, बिल्कुल रेडी है। आप भी आ जाइए हमारे साथ चाय एंजॉय कीजिए। चावल मैंने गैस पर रख दिया है और इसके साथ मैं प्लेन व्हाइट राइस बनाऊंगी क्योंकि राजमा के साथ प्लेन व्हाइट राइस ही अच्छे लगते हैं। राजमा भी बॉईल हो गया है और सारी तैयारियां कर ली है मैंने। इसमें मैं खड़े मसाले ऐड करूंगी, हरी इलायची, थोड़ी सी लौंग और थोड़ी सी काली मिर्च। इसको मैं थोड़ा क्रश करूंगी। राजमा में सरसों के तेल में बनाऊंगी। हम सरसों का तेल यूज करते हैं क्योंकि सरसों का तेल अच्छा होता है। अब इसको जरा गर्म होने देते हैं, जब तक राजमा चेक कर लेती हूँ मैं। राजमा भी बहुत अच्छे से गल गया है, ये देखिए मैं दिखा देती हूँ आपको कितना सॉफ्ट हो गया बिल्कुल। और चावल मैंने व्हाइट इसलिए बनाए हैं क्योंकि राजमा, छोले, इनके साथ दाल, इनके साथ प्लेन व्हाइट राइस बहुत अच्छे लगते हैं। सिर्फ मैंने इसको बॉईल करते वक्त थोड़ा सा सेंधा नमक ऐड कर दिया है ताकि वो थोड़ा सा नमकीन सा अच्छा फ्लेवर दे। अब तेल जैसे ही गर्म होगा तो सबसे पहले मैं इसमें जीरा ऐड करूंगी। तेल गरम हो गया है तो सबसे पहले जीरा ऐड कर देती हूँ। और उसके बाद जो मैंने आपको स्पाइसेस दिखाए थे, तेज पत्ता, बड़ी इलायची, थोड़ी सी लौंग और काली मिर्च, इसको मैंने थोड़ा क्रश कर लिया है। अब छोटा छोटा बारीक कटा हुआ प्याज, प्याज को थोड़ा सा ब्राउन होने तक हम भून लेंगे। आप भी ऐसे एक बार राजमा बनाकर देखना, बहुत ही टेस्टी लगता है।
जो बड़ी इलायची का फ्लेवर है राजमा की जो टेस्ट होती है उसको बहुत ही ज्यादा एनहेंस कर देता है, बहुत टेस्टी लगता है। अब इसमें थोड़ा सा अदरक, इसको भी मैंने थोड़ा सा पीस लिया है, ज्यादा बारीक पेस्ट भी नहीं बनाना, हल्का सा इसको दरदरा सा मैंने क्रश कर लिया है। पिसा हुआ लहसुन डालें, अच्छे से मिक्स कर दें। अब इसमें थोड़े मसाले ऐड करेंगे, थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा कलर के लिए काश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी, धनिया पाउडर और नमक हम थोड़ा सा ही ऐड करेंगे क्योंकि बॉईल होते वक्त राजमा में मैंने नमक ऐड कर दिया था। इसको एक सेकंड के लिए भून ले और थोड़ा सा पानी ऐड करें, इससे जो राजमा की ग्रेवी है वो बहुत ही अच्छी बनेगी, कलर इसका बहुत प्यारा आएगा। अब इसमें टमाटर और हरी मिर्च, टमाटर को भी अच्छे से मैश कर ले, इसको थोड़ा एक दो मिनट के लिए पका ले। ये देखिए टमाटर बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, पक गए हैं और ग्रेवी भी बिल्कुल थिक हो गई है। बस अब हमको इसमें जो बॉइल्ड राजमा है वो इसमें ऐड कर देंगे। पानी आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं, आपको थिक ग्रेवी चाहिए या थोड़ा सा इसमें लिक्विडिटी ज्यादा चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। मुझे यही वाली कंसिस्टेंसी इसकी चाहिए तो इसके लिए मैं थोड़ा सा पानी और ऐड करूंगी ताकि पानी जब इसमें बॉयल आएगा तो ये रिड्यूस हो जाएगा। बस अब इसको अच्छे से बॉयल आने तक वेट करें। अब इसको हम ढककर पकाएंगे और चावल भी पक गए हैं, मैंने प्लेट लगा दी है ताकि इसके अंदर स्टीम बन जाए और इसकी फ्लेम मैं अब ऑफ कर देती हूँ और राजमा को एक बॉयल आने तक वेट करते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल राजमा रेडी हो गया है और इसकी ग्रेवी थिक हो गई है बिल्कुल और कलर भी कितना प्यारा आया है। मैंने इसको बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर इसको बॉईल किया है, अब फ्लेम ऑफ कर दे और इसमें हरा धनिया ऐड करें। तो राजमा चावल बिल्कुल रेडी है, तो चलिए अब हम लंच करेंगे। ये देखिए मैं इनको लंच के लिए ढूंढ रही थी और मैंने देखा कि ये छत पे आए हुए हैं। मैंने आपको बताया था बारिश आ गई है तो आज जो मिस्त्री हैं काम करने वाले उनकी हमने छुट्टी कर दी, बट उन्होंने थोड़ा मसाला बना दिया था तो उसी मसाले को ये इन पर टाइल्स पर लगा रहे हैं कि मसाला वेस्ट नहीं होगा। इसके ऊपर थोड़ा सा वो लेंटर है, यहाँ पर बारिश नहीं आएगी तो इसीलिए इस मसाले को ये यहाँ पर लगा रहे हैं। अब इसके बाद ये नहाकर लंच करेंगे और बच्चे भी देखो कैसे एंजॉय कर रहे हैं देखकर, और मैं इनको सबको नीचे ढूंढ रही थी, ये छत पर है सारे। आज ये भी मिस्त्री बन गए देख लो चलो सही है, लगा दो सारा। मम्मा बहुत दिनों बाद राजमा चावल बनाया है,
दीदी अब तो मजा ही आ जाएगा। और क्या टेस्टी, सुपर टेस्टी राजमा चावल। दक्षु आपको कैसे लगे? नम्मी नम्मी नम्मी। ये नम्मी क्या होता है? नम्मी यम्मी यम्मी। तो आप सब भी आइए हमारे साथ, राजमा चावल खाइए गर्मा गर्म। आप तो बोलो कुछ कैसे लगे? मैं बता चुका हूँ बहुत टेस्टी है। पापा को तो हेजिटेशन होती है जब कैमरा सामने आ जाता है तो लेकिन बोल ही नहीं पाते। नो आई एम नॉट हेजिटेट। लस्सी भी है साथ में, ये देखो। ये लस्सी नहीं है एक्चुअली, ये बूंदी का रायता है। रायता कह सकते हो, लस्सी बोल सकते हो इसको, बट गिलास में है तो ये लस्सी हो गई है। लस्सी हो गई अभी, बूंदी का रायता बोल सकते हो आप इसको। लस्सी भी है, बूंदी की लस्सी, बूंदी की लस्सी, बूंदी का रायता, लस्सी विद सैलेड एंड पापड़। और लंच हो गया हमारा लाजवाब। सच में ही काफी दिनों बाद राजमा चावल बनाया, बहुत ही टेस्टी है, बहुत बहुत टेस्टी है। आप भी एक बार ऐसे जरूर ट्राई करें। मैं तो फेवरेट है, सबका ही फेवरेट होता है। और इस व्लॉग के एंड में मैं आप सबको एक एडवाइस देना चाहूंगी कि बहुत ज्यादा सर्दी है, अपना अपने नियर एंड डियर वंस का, पेरेंट्स का, फैमिली वालों का, सबका इस सर्दी में ख्याल रखिए। गर्मा गर्म चीजें खाइए, गर्म गर्म पानी पीजिए, काढ़ा पीजिए, ताकि आप हेल्दी रहो, स्वस्थ रहो। और पूरा हमारा जो यूट्यूब फैमिली है ये सब हेल्दी रहेंगे तभी तो सब अच्छा अच्छा होगा ना, तभी हमें एक दूसरे को खुशी मिलेगी। इसलिए आप गर्मा गर्म खाना खाइए, गर्म गर्म पानी पीजिए और अपना सबका ख्याल रखिए। तो इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ये क्या बाय बाय। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जब तक आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, सर्दी में अपने आप को बचा कर रखो, सबसे ज्यादा जरूरी अभी तो हाल फिलहाल यही है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय बाय, टेक केयर, टेक केयर, बाय, कीप वॉचिंग, बाय बाय।